तो दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे चोला फाइनेंस के बारे में। बेसिकली कंपनी ने अपने क्वार्टर फोर के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है, तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर फोर के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, कंपनी ने बहुत बड़ा डिविडेंड दे दिया, बहुत बड़ा डिविडेंड, मतलब 70 पैसे का कंपनी ने डिविडेंड दिया है। 900 रुपये का शेयर है, 70 पैसे का कंपनी डिविडेंड दे रही है। मतलब कि देखा जाए तो 0.01% में मतलब ऐसा चल रहा है कंपनी का डिविडेंड का रेशियो। क्या मजाक करेगी कंपनी, 70 पैसे का देके क्या करेगी कंपनी। उस अच्छा कंपनी बिजनेस एक्सपांड करने में लगा देती तो वो ज़्यादा बेहतर रहता। चलिए कंपनी के नंबर देख लेते हैं, नंबर्स क्या है। तो पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू अगर देखा जाए जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किया था 3,356 करोड़, पिछले साल 2,605 करोड़। इस क्वार्टर में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 3,741 करोड़ के आसपास है। तो साल दर साल देखें तो साल दर साल एक बड़ी जंप आपको देखने को मिली है। अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 40% के आसपास की तेजी है साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। वहीं अगर क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो क्वार्टर क्वार्टर अप्रोक्सीमेटली 10% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली है। तो कंपनी का रेवेन्यू क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल दोनों में बढ़ता हुआ देखने को मिला है। एक्सपेंस की बात कर लेते हैं, पिछले क्वार्टर में 2,482 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 1,724 करोड़, इस क्वार्टर में 2,672 करोड़ कंपनी ने खर्च किए हैं। तो कंपनी के खर्चे भी कंट्रोल में देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट क्या निकल कर आता है वो देख लेते हैं। तो पिछले क्वार्टर की बात करें तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट देखा जाए तो 684 करोड़, पिछले साल 686 करोड़, अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 855 करोड़ के आसपास आ चुका है। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर एक अच्छी खासी तेजी है, अप्रोक्सीमेटली आप बोल सकते हैं 30% के आसपास की तेजी है साल दर साल क्वार्टर क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट के अंदर। चलिए कंपनी के ईपीएस देख लेते हैं, ईपीएस के अंदर क्या चेंजेस हैं। पिछले क्वार्टर में 8.34, पिछले साल 8.36, अभी देखें तो 10.40 के आसपास है। तो जब कंपनी इतना अच्छा प्रॉफिट दिखाई रही है तो थोड़ा डिविडेंड भी थोड़ा लॉजिकल डिविडेंड देती है, 70 पैसे का डिविडेंड क्या दे रही है कंपनी। तो ओवरऑल देखें तो इस क्वार्टर के नंबर अच्छे हैं, क्वार्टर क्वार्टर साल दर साल को दोनों में कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, ऊपर से कंपनी का जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल देखें तो सारे एंगल से कंपनी के नंबर पॉजिटिव है, लेकिन बस प्रॉब्लम एक छोटी सी आ रही है कि ऑलरेडी शेयर बहुत चल चुका है, तो हो सकता है कि ऊपर के लेवल से आपको प्रॉफिट बुकिंग भी आती हुई देखने को मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से फ्रेश एंट्री तो बिल्कुल अवॉइड कीजिएगा अगर आपके पास शेयर है। तो देखिए अगर प्रॉफिट बुकिंग आए तो आप भी थोड़ा जल्दी एग्जिट करने की कोशिश कीजिएगा, लेकिन अगर प्रॉफिट बुकिंग नहीं आती है तो इसे आराम से आपको 1,000 रुपये का लेवल दिखा सकता है आने वाले कुछ सेशन के अंदर। तो बस आज के लिए बस इतना ही, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।